पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की आग में झोंककर चीन वायरस से खुद को बचाने के लिए हर रोज कोई न कोई कदम उठा रहा है। अब बीजिंग ने अपनी पहली नेजल स्प्रे वैक्सीन के परीक्षण के मंजूरी दे दी है। कोरोना वायरस के खिलाफ चीन की एकमात्र नेजल स्प्रे वैक्सीन का पहले चरण का ट्रायल नवंबर में शुरू हो सकता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल 100 लोगों पर किया जाएगा। नेजल स्प्रे वैक्सीन इस प्रकार की एकमात्र वैक्सीन है जिसे चीन के राष्ट्रीय चिकित्सा उत्पादन प्रशासन ने स्वीकृति दी है। यह वैक्सीन हांगकांग और चीन द्वारा सामूहिक मिशन के तहत विकसित की जा रही है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, शियामैन यूनिवर्सिटी और पेजिंग बताए बायोलॉजिकल फार्मेसी के शोधकर्ता शामिल है। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के सूक्ष्म जीव विज्ञान यूएन क्वांग्यूंग, उन्होंने बताया कि यह वैक्सीन श्वसन प्रणाली में आने वाले वायरसों के प्राकृतिक संक्रमण मार्ग को प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए सक्रिय करती है। उन्होंने आगे कहा कि नेजल स्प्रे से दोहरी सुरक्षा मिलती है, यह इन्फ्लुएंजा और नोवल कोरोना वायरस दोनों से बचाता है। यूएन ने स्पष्ट किया कि वैक्सीन के तीनों क्लिनिकल ट्रायल पूरी तरह समाप्त होने में कम से कम एक साल और लग सकता है। साइड इफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन यूएन क्वांग्यूंग ने कहा कि वैसे तो इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन दमा और सांस फूलने जैसी तकलीफ हो सकती है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि नेजल स्प्रे वैक्सीन से उत्पन्न प्रतिरक्षा अधिक समय तक रहेगी या नहीं। आपको ये खबर कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वायरस की वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।